एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023, जहां पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जबरदस्त सुप्रीम कार्स का शोरूम, जो कि प्रीमियम कार से लेकर विंटेज कार से लेकर फैंसी स्पोर्ट्स कार सारी चीजें सेल करता है। सो हुआ ऐसा है ना कि सारी कार्स मैंने बाहर रखी थी और बाहर कार्स बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो मैंने ये ट्रिक ढूंढा है कि जैसे कि इतना सा पोर्शन है हमारे पास, तो इसमें सिर्फ एक कार पार्क कर दो, लाइक कार एक आ जानी चाहिए वहां पर। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ तुमको कि कैसे वो सुनील भाई आते हैं हमारी सारी कार रिपेयर करने, बिकॉज बार बार है ना मैं सारी कार्स अंदर नहीं डाल सकता ना, और थोड़ी कार्स कभी कभी यूज करनी हो वीडियो में तो क्लीन रहनी चाहिए। तो ये कार मैंने देखो लगा दी एकदम सट के, ठीक है, एकदम सटा के लगा दिया मैंने घर के अंदर। अभी मैं उतर गया हूँ घर के अंदर ही गलती से, तो अभी हमारे सुनील भाई देखो ऑन द वे ऑलरेडी आ गए हैं वो कार क्लीन करने के लिए। तो ये एक हल्का सा मैंने जबरदस्त ढूंढा, एंड ऑल्सो आपको पता नहीं होगा तो हमारी निसान GTR कहाँ है यार। निसान GTR हमने रिपेयर के लिए दी थी, मैंने ठोक दी इतनी, भाई मैं क्या बोलूं, मैं बहुत बुरा खेलने लगा हूँ आजकल। शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की एक जबरदस्त ड्रैग रेस से। मैं आज देखकर आया हूँ, आज हमारे ड्रैग रेस में ऑडी है और हमारे पास भी ऑडी है, तो हम अपनी ऑडी को बेट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इस फटाक से ड्रैग रेस को खत्म करते हैं सबसे पहले और फिर शुरू करते हैं अपना आज day 2 ऑफ मेकिंग द फ्लोर। भाई आज ऑडी R8 भी आई है और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे पास एक ऑडी R8 नहीं है। बोलो मेरे पास ऑडी R8 कैसे नहीं है यार, मुझे ऐसा हो रहा है। पता है मेरे पास हमेशा ऑडी R8 हुआ करती थी। खैर हमारे पास ऑडी TT है, तो अभी हम लोग बेट कर रहे हैं ऑडी TT फिलहाल। हाँ बेट इज द कार। हमारे गाड़ी में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं भाई, उसकी गाड़ी में देखो कुछ भी नहीं है, नाइट्रो और ABS है, दो चीज़ें हैं। बट मेरे नसीब बहुत ख़राब है, हमेशा मैं ड्रैग रेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। चलो आ जाओ, चालू कर लिया हमने गाड़ी, कार आगे ले ली, एकदम स्टार्टिंग लाइन पे रख देंगे हम यहाँ पर। नाइस, नाउ प्रॉपर ध्यान देना है शिफ्ट। 2-1 चीचा भाई, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, इतना सीरियस हो गया था। बिकॉज वो शिफ्ट अगर आप गलत गियर चेंज करते हो या फिर अर्ली गियर चेंज कर लेते हो ना, तो भाई तुम हार जाते हो। यहाँ पर आप देखो मेरे सामने वाले प्लेयर की ज़्यादा स्पीड थी 180 और मेरी 173 थी, बट स्टिल मैंने प्रॉपर गियर शिफ्ट करा, इसीलिए हम लोग जीत गए, फ्री में ऑडी TT मिल गई हमें। सो ड्रैग रेस से मेरी बहुत दुख की कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यार कितनी सेक्सी मिली है यार ये गाड़ी, देखो एकदम प्योर ब्लैक, फैक्ट्री कलर ब्लैक है भाई। चलो आ जाओ चलते हैं, अभी 7.5 लाख रुपए हैं हमारे पास, ऑक्शन 5 बजे स्टार्ट होने वाला है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जब तक ऑफिस बना रहे हो तो सारा धंधा बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 घंटे बाद हम लोग जाएंगे कार ऑक्शन में भी, जरूर सारी चीजें हम लोग चेकआउट करेंगे। मुझे अगर उसके अंदर एक ऑडी R8 आ गई ऑक्शन के अंदर, तो वो मैं ऑडी R8 खरीद लूंगा और फिर ड्रैग रेस करने जाऊंगा, एंड फिर हम लोग शायद जीत गए तो हमारे पास 2 ऑडी R8 हो जाएगी। खैर चलते हैं ऑफिस मोड के अंदर। एक हल्का सा बग मैंने जो नोटिस करा है गाइस, जब हम लोग ये ऑफिस बना रहे थे day 1 में, अभी एक चीज यहाँ पर है कि आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर ऊपर एक लैम्बोर्गिनी क्लच खड़ी हुई थी, वो कहाँ है अभी। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक पोर्शे भी खड़ी हुई थी, वो कहाँ है अभी। फिर आपने ये भी देखा होगा एक LaFerrari खड़ी हुई थी, वो कहाँ है अभी। तो ये सारी की सारी कार्स का एक बहुत दुखद कहानी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो कि अल्फा वाई स्टोरी बताओ, तभी बताऊंगा, मैंने रिकॉर्ड भी करा हुआ है, कहाँ गई वो गाड़ी, कब गई, कहाँ है वो गाड़ी, सारी चीजें बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखो, स्टोरी बताओ तब बताऊंगा। बट खैर मैंने ये देखा है कि गाइस अभी हुआ ऐसा है दैट ये चीज जो है ये कार डोर ओपनर है, तो अगर कार आती है तो ये डोर ओपन हो जाता है और कार इधर आ सकती है। बट कार तो इधर आ गई, हम कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर एक डोर होना पड़ेगा गाइस, वरना हम आ नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए मैंने ये कार तोड़ दिया था। तो ये एक छोटा सा एडिट मुझे लगा है, या तो हम ये कर सकते हैं या तो हम है ना यहाँ पर अंदर एक डोर बना सकते हैं, तो हमारे ऑफिस के अंदर से हम आ पाएंगे। दोनों साइड से एक तोड़ दिया हमने और हम लोग डोर ही बनाएंगे, नॉर्मल डोर जो हम, यार ये वाला डोर अच्छा था, बट ये जो ऊपर इतना बड़ा ये जो ब्लैक बना हुआ है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ एक डोर यहाँ भी लगा दिया हमने, सो दैट अभी हम लोग एक्सेस कर पाए एटलीस्ट बाहर आने के लिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ करके, ठीक है। सो एक दिक्कत ये आ गई है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जो हम लोग ने बालकनी बनाई थी हमारे कार्स को अंदर आने के लिए, वो मैं दिखाता हूँ। अब दिक्कत ये आ रही है दैट जब हम इस कार को इसके अंदर डालेंगे और बालकनी में यहाँ पर शोकेस करने के लिए रखेंगे, ठीक है, लोगों को देखने के लिए, यहाँ पर कार हमने पार्क कर दी, ठीक है। अब यहाँ से मैं कूद के नीचे चला गया, ठीक है। अब मुझे वो कार वापस बैठनी है उस कार के अंदर, तो कार के अंदर मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि ये डोर तो सिर्फ कार के आने से खुलता है। देखो मैं नहीं जा पा रहा हूँ इस डोर के आसपास, ना ही मैं कूद के जा सकता हूँ कहीं से। इस वजह से हम लोग ने जो हमारे ऑफिस के अंदर ये एक और डोर बनाया है जिससे हम ये एक्सेस कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डोर बनाऊँ ना तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अनटाइडी गंदा सा लगेगा, ठीक है समझ गए। अब आज हम लोग करने वाले रेडी अपना पूरा सेकंड फ्लोर, उसके अंदर सारी गाड़ियां भरेंगे। चलो आ जाओ, लेट्स गो। ऑफिस एडिट मोड स्टार्ट हो चुका है यार, रात को हमारा बहुत अच्छा लगता है पता है। ओ देखो रात बोलते ही हमारे रात कर दी हमने। ओ नाइस, चलो ये तो हो गया फिर यहाँ से सॉर्टेड। आ जाओ सेकंड फ्लोर की छत बना रहे हैं अभी फिलहाल हम, फटाफट से छत बना लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। चलो यार गाइस इसमें है ना मजा नहीं आ रहा है पता है, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बालकनी है ना ओपन ही रहनी चाहिए काइंड ऑफ, इसके ऊपर एक भी कुछ आना नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने मोस्टली ये बाहर बालकनी टाइप बनाई थी हमारी कार्स रखने के लिए। ऑफिस के ऊपर अभी भी हम लोग ये ढक सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ऑफिस हमने पूरा ढक दिया यहाँ पर, ये अभी बेटर लग रहा है देखो, क्योंकि अगर इसको ही ढक देंगे ना तो पूरा शो बिगड़ जाएगा गाइस पता है। हमारा सेकेंड फ्लोर का ऑफिस हमारा हो गया है, अभी हमें सिर्फ ये सेंट्रल वाला जो एरिया है ये पूरा हमें ढक देना है। ऑल राइट बॉयज, मैं हम लोग ने अपना टॉप फ्लोर प्रॉपर तरीके से कर दिया है रेडी। एक काम करते हैं अभी फटाफट सो के आते हैं, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में एडिटिंग करते हैं सारी। ऑल्सो भाई कमेंट सेक्शन में लोग नारे लगा रहे हैं कि अल्फा भाई बिल पे करो, बिल पे करो, ऑफिस के बिल पे करो, करो ना भाई। एंड मैंने इतने टाइम से ऑफिस के बिल पे नहीं कर रहे भाई, मुझे तो लग रहा है लिटरली 1 से 2 लाख रुपए, इतनी कार सेल करी है ना, टैक्सेस इतने लगेंगे ना, 1.5 से 2 लाख रुपए तो 3 लाख भी हो सकते हैं। 3 लाख इज द मैक्सिमम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली। अब देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में क्या है, द कार मार्केट प्लेस इज ओपन, ठीक है चलते हैं ऑफिस वापस, लेट्स सी क्या होता है गाइस, लेट्स सी क्या होता है। अभी बिल्स पे करते हैं फटाफट, ये रहा खोल लिया हमने मोबाइल, वेब पेज खोल लिया और बिल्स पे आ रहे हैं हम अभी। 3, 2, 1, मेरे बिल्स हार्डली 3 लाख इतने होने चाहिए मैक्सिमम भाई। 3 लाख तो मैं मैक्सिमम सोच रहा था, 4 लाख रुपए बिल भाई। ये एम्प्लॉय तो कुछ सुनील भाई कुछ कर भी नहीं रहे हैं भाई रिसेंटली, तो कार सारी बाहर पार्क रहे हैं, खाली कचरा उठाने का $3,000 ले रहे हैं बोलो भाई। यार कितना पे कर दिया, 3 लाख रुपए का बिल पे कर दिया, शांति मिली खुशी। खैर आ जाओ वापस कंटिन्यू करते हैं, अभी कितना अच्छा लग रहा है यार। यार एक बार कार सारी कार्स वगैरह लगाऊंगा ना फिर अच्छा लगेगा। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना इनफ है यार, पहले इतने ऑफिस को है ना हम लोग बना लेते हैं। तो ऑफिस बनाने जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब मैं बोल रहा था कि 3 माला 4 माला बनाएंगे, एकदम जबरदस्त दिखेगा ये वो, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना ऑनेस्टली कि पहले ये 2 फ्लोर जो है इनके अंदर अच्छे से कार्स भरते हैं, सारी चीजें अच्छे से पहले वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं। देखो सुनील भाई आगे ऊपर धो रहे हैं अपनी ऑडी टीटी, सो ये फिलहाल के लिए हमारा ऑफिस रखते हैं, इसके अंदर अच्छे से पहले इसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं, एंड इसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो 3rd फ्लोर बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये रहेगा अपना ऑफिस, मजेदार बना दिया है। अभी इसके अंदर और छोटी छोटी चीजें बाकी हैं अभी, डोंट वरी, हमें अभी लिफ्ट्स लगानी है, हमें अभी ऑफिस अपना रेडी करना है, अपना कंप्यूटर वगैरह सब 1st फ्लोर पे लेकर आना है, नीचे हमें सोफाज लगाने हैं, इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारा टेबल है ये लग गया अपना ऑफिस, उसका टेबल आय आय हाय, दोनों के एकदम सेंटर में पीछे आके इतना प्यारा लग रहा है यार ये ऑफिस, नॉट बैड रे। अभी हमें यहाँ पर ऊपर सोफा वगैरह तो लगेंगे ना यार, ऐसे सिर्फ ऑफिस में थोड़ी ना, मतलब समझ रहे हो। सो सबसे पहले तो है ना ऑफिस के अंदर ही सब अभी टेडी वगैरह बहुत बड़े हैं यार, मुझे लगा छोटे से टेडी होंगे, बड़े टोटे टेडी हैं ये तो, ये लगाने चाहिए यार हमें, लगाएंगे इसको ऑफिस के अंदर ही लगाएंगे कहीं पर। चलो आ जाते हैं ऑफिस में, फिर से एक और बार ऑफिस में आ चुके हैं हम लोग। थोड़ी सी लाइटिंग्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट लाइटिंग्स है नहीं। मुझे मेरे प्लांट्स, मुझे मेरे फ्लावर्स बहुत पसंद है। अरे मैंने उल्टा लगा दिया, अभी मैंने नोटिस करा, हाँ ये होना चाहिए, उल्टा लगा दिया था क्योंकि हमेशा लाइक कुर्सी बाहर की तरफ रहेगी तो व्यू दिखने मिलेगा ना। वो मेरे को सबसे बुरी चीज जो मुझे नहीं करनी है वो कि अपने ऑफिस को एकदम खचाखच भर देना है, वो बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। सो ऑफिस हम लोग ने एकदम प्रोफेशनल रखा हुआ है, बिल्कुल भी हम लोग इसमें मस्ती मजाक नहीं कर रहे हैं। थोड़ी और डेकोरेशन होते तो और मजा आता बट यहाँ पर बहुत लिमिटेड एक्सेस है, मतलब कुछ है ही नहीं देखा जाए तो, कुछ भी नहीं है। तो खैर इतना ही करते हैं फिलहाल तो ऑफिस के अंदर, है ना। अभी हमें अपना सेकेंड फ्लोर सजाना है, मेन चीज़ है। सबसे पहले तो ये जो हमने गलती से तोड़ दिए थे ये ठीक कर देते हैं। सो दोनों जगह हम लोग ने लिफ्ट लगा दी है, लिफ्ट लगाने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक रिवॉल्विंग वाला लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, रिवॉल्विंग वाला नीचे ही लगाते हैं। सो ये जो एक रिवॉल्विंग वाली जगह है ये चीज जो है एक यहाँ लगा सकते हैं हम लोग। जो रिवॉल्विंग वाले ऑप्शन है गाइस, ये मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पीछे साइड रखूँ क्योंकि आगे साइड है ना थोड़े हम लोग स्टेबल कार्स रखना चाहता हूँ मैं 1st फ्लोर पे, तो इस बार हम लोग इधर पीछे रखेंगे इधर।
एक और मैं सीढ़ी बना सकता हूँ। हो भाई मजे आ जाएंगे जब हम लोग थर्ड फ्लोर बनाएंगे। तो अच्छे से पहले ये मैंने जितना सोचा था उतना तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी हमें हम लोग ने मतलब ये देखो ये फ्लोर ऐसा बंद रहेगा अंदर से, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना, ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, जैसे ये लिफ्ट ऊपर आ गई, ठीक है, इसके बाद ये जो स्ट्रेट जगह दिख रही है ना, यहाँ पर कार्स आ जाएंगी, यहाँ पर कार्स आ जाएंगी। सो फिलहाल ये अपना लग रहा है जबरदस्त। आए हाय, जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको भी हमें थोड़ा सोफा वगैरह से घरना है, क्योंकि अगर किसी को ऊपर कोई कार पसंद आई हो और उधर ही बैठ के बात करनी हो तो वो यहाँ पर ऊपर कर पाएगा। सो फिलहाल तो जो टॉप फ्लोर है वो हाइड कर देते हैं, एंड मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सोफा काइंड ऑफ एरिया रहे, या फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर हल्की सी बैठने की जगह कर सकते हैं इधर। ये भी प्रोफेशनल लगेगी, लाइक हमारे ऑफिस के बाहर बैठने की जगह है। सो इन दोनों के बीच में एक कर दे यहाँ पर, यहाँ। सो ये सोफा अच्छे से बन गया है, यहाँ पर बैठ सकते हैं लोग। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, दोनों के आगे हम लोग एक टेबल लगाएंगे। दिस टेबल लुक्स गुड। अभी से क्या करूंगा ना गाइस, मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने ऑफिस के अंदर, ऑफिस को खोला मैंने और यहां से ही डायरेक्टली चले जाऊंगा कूद के यहां पर और डायरेक्ट कंटेनर। शॉर्टकट रास्ता बनाया है हम लोग ने, अगर कहीं पे भी ऑफिस में अगर मैं घूम, यार एक अभी भी मेरी अंदर से दिक्कत है कि मैं कितना भी अमीर, अभी क्या कर लिया 4.5 लाख रुपए की चीज। अच्छा हाँ, बिल भरा था। हे भगवान, बिल बिल हमारा बिल इतना ज्यादा आता है ना आजकल की क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, आज ऑक्शन है 5 बजे, याद रखना है मुझे 5 बजे करना है। सो डेकोरेशंस में हम पहले तो ये लगाएंगे हेलोवीन वाली जो एकदम सॉफ्ट टॉय है, कि यहाँ पर लगा सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। और ये जो है ये यहाँ पर लगा सकते हैं। हम लोग भी है ना एकदम इवेंट जैसे इवेंट आते हैं ना, उस हिसाब से हम लोग चेंज करते रहेंगे। यार सोचो इसमें से अगर लावा निकल रहा होता तो कितना अच्छा लगता ना। खैर, तो ये अपना बन रहा है जबरदस्त कार फॉर सेल का हमारा सेकेंड फ्लोर। हमारा शोरूम आज खत्म हुआ है फाइनली। शोरूम खत्म नहीं कहेंगे टेक्निकली, बिकॉज इसके अंदर कार लगनी बाकी है। नेक्स्ट एपिसोड में जब हम अपना पूरा ग्राउंड फ्लोर भरेंगे, पूरा का पूरा, ये जो सोफा में लोग आएंगे बैठेंगे, पूरा ग्राउंड फ्लोर भरेंगे, यहाँ से वहाँ हर जगह कार्स होगी। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लगाएंगे जो घूमने वाले हैं वो यहाँ पर भी मोस्टली एक लगाएंगे, सो दैट यहाँ भी घूमें और बीच में सारी कार्स रहें। इसी के साथ बॉयज हमारा सुप्रीम कार्स रेडी हो चुका है एकदम, तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। याद है ना मैंने बोला है अपनी ला फरारी, लेम्बोर्गिनी, पोर्शे, ये तीन गाड़ी की एक बहुत ही दुखद कहानी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर कमेंट सेक्शन में सभी लोग मिलकर पूछे तो ही बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते हैं कार फॉर सेल सिम्युलेटर के अगले एपिसोड में। Play the fuck